माय डियर स्टूडेंट्स, आपका चैनल संस्कृति भारत में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बहुत दुखी से बोल रहा हूँ, बहुत दुखी से। मैं आज बहुत ही दुख में हूँ। दुख की घड़ी क्या है कि आज भारत यानी भारतवर्ष, अखंड भारत, जिसे बोलते हैं जगत गुरु, माय डियर, आपको दुख को ये होगा कि भारत की राजनीतिक, आपको पता होगा कितनी बहुत बुरा संकट से गुजर रहा है। जो एक एक हमारे भारत की जो 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 चीजें हैं, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो नेताओं ने खो दिया, या कोई पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम किसी मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय या हिंदू समुदाय, यानी वह कोई भी धर्म का हो, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता और मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं शिक्षक के नाते बताना चाहता हूं कि भारत की जो कल्चर है, आज मॉडर्न युग आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री ने लोगों को बर्बाद कर दिया, हमारे गोत्र को सब बुला दिया। जो सनातन धर्म में जो गोत्र था, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस सब विनाश की ओर जा रहा है। ना आज हमारे देश के अंदर में कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। ब्राह्मण आजकल कोई भेद नहीं पड़ता, क्षत्रिय अपना निभा नहीं रहा है। तो आज हमारा देश बहुत ही संकट से गुजर रहा है। तो छोटी सी पॉइंट है जो मैं सभी धर्मों के लिए बताना चाहता हूं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में उनमें क्या है, कोई जाति धर्म नहीं। हालांकि उनमें भी जाति धर्म है, पठान, कुरैसी, खान, सैयद, अहमद, बहुत सारे हैं जातियां, लेकिन मुसलमानों में एकता है, उनमें कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्रिश्चियन में आते हैं, क्रिश्चियन में भी हैं जातियां बटे हुए हैं। क्रिश्चियन दो तरह के होते हैं, चर्च में पादरी सब अलग 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 जातियां हैं, और मुस्लिम में भी हैं सिया, सुनी, सूफी, और उनमें भी बहुत सारी जातियां बट गई, बौद्ध धर्म में भी हैं। लेकिन एक जो मैं बहुत ही गहरा संकट से बोल रहा हूं, जिसका नाम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म से ही निकला है सारा धर्म। तो मैं हिंदू धर्म के ऊपर बताना चाहता हूं, ऐसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि दोस्त आज हमारे देश में देख रहे हो युवाएं कि आज हमारे देश में हिंदू धर्म के अंदर में अगर कोई वाल्मीकि समाज का हो, अगर कोई हिंदू के कोई जाति से शादी कर लिया, मानो कि कोई राजपूत से शादी कर लिया, तो भेदभाव हो जाता है, जातपात हो जाता है। अरे मूर्खो, अगर इस तरह से करते रहोगे तो तुम्हारा समाज एक दिन जीरो पे आ जाएगा, तो भाग के कहां जाओगे? तो अगर बचना है तो भारत सरकार को एक कानून लाना पड़ेगा, एकल कानून बोलते हैं उसको। उस कानून के द्वारा उन दायरे में कि जब किसी भी मजहब में किसी से शादी कर सकते हैं, तो फिर हिंदू में क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हिंदू समाज में अगर इस तरह शादियां नहीं हुई, तो मैं आने वाले समय में ये भारत सनातन धर्म से खतरे की ओर बढ़ेगा। अरे किसी शादी कर लो, कोई ब्राह्मण की लड़की से राजपूत शादी कर लो, लड़कों से शादी कर लो, चिंतन नहीं करो यार, एकदम कर लो। मैं यही बोलना चाह रहा हूं आप लोग से। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जितने भी हिंदू सनातनी हैं, बहन हैं, भाई हैं, चिंता ना करें। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भारत, अभी हम बचे हुए हैं, तो माय डियर, इस तरह से अपनी माताओं पिताओं को बोलो कि जात पात को लेकर ना चलें, जात पात को हटाना है तो शादी करना है, तो इसलिए शादी करो। और सरकार को जल्द से जल्द कानून को लाना पड़ेगा, नहीं तो भारत
अखंड भारत नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब देख लो पाकिस्तान के अंदर में जब 1947 था तो वहां पे हमारे हिंदू भाई बहन कितने थे पता है? नहीं है, मैं बता रहा हूं 2 करोड़ थे। अब 2 करोड़ से कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए, तब वहां पे 1 लाख भी नहीं बच रहा है, सबको काट दिया गया। और मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंडिया में 1947 में लगभग 2 करोड़ मुस्लिम भाई थे, आज 20 करोड़ हो गए, संख्या बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि आज हमारे देश में लव जिहाद भी ज्यादा हो रहा है हिंदू की लड़की के साथ, हो गई। जब आप लड़की को जब घर छोड़ोगे तो बाहर जाएगा तो यही काम होगा, आप हिंदू के साथ जाता है शादी करता है वो तो अरे अरे भाग ले रे, अरे से लड़की भाग ले साथ में रे, ये देखी तो रे वो भाग लेगी ना, अरे गोवार के साथ भाग गल है देखी तो कहा हो गले बाबू रे बाबू ये ध्यान से कर लो ना भैया, देश ना बचे भारत है, हम जो बोले थे वो सही बोले थे भैया, देख लिए कहा हो तो देश में, प्लीज करके इनको शेयर करो वीडियो को, फिर हम अगली वीडियो मिलेंगे और फिर खतरनाक वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।